Hey, what is up guys? Welcome to Mr. Technical. और आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो काफी पॉपुलर स्मार्टफोन को। ये वाला स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि है Redmi का Note 13 Pro Plus और ये है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का H14 Neo। So guys, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई दोनों डिवाइसेस में से बेटर डिवाइस कौन सा है तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर हम बात करें डिजाइन की या फिर कैमरे की या फिर बैटरी की या फिर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो हर एक चीज के मामले में टेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन की। तो डिजाइन वाइज लगभग से चीजें आपको सिमिलर लगेंगी लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल चूज किया गया है ये बिल्कुल अलग है। दोनों स्मार्टफोन के रियर में आपको लेदराइट बैक देखने को मिल जाता है बट मोटोरोला का अगर आप देखेंगे तो हल्का सॉफ्टर साइड है बट रेडमी में थोड़ा हार्ड टाइप का लेदर दिया गया है जो कि आसानी से स्क्रैच नहीं होगा, तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की तो जी हाँ, आपको Redmi Note 13 Pro Plus में विक्टस की प्रोडक्शन मिलती है जो कि काफी अगेन अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम बात करें मोटरोला की तो यहाँ पे एज सच कोई प्रोडक्शन नहीं है, एक नॉर्मल सा एनईजी ग्लास जो आता है उसकी प्रोडक्शन दी है, तो एज कंपेयर टू विक्टस ये काफी वीक रहने वाली है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी गाइस दोनों स्मार्टफोन के साइज में भी डिफरेंस है। यहाँ पे जो मोटरोला का स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा छोटा है और Redmi का स्मार्टफोन थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आपको थोड़े बड़े डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स पसंद आते हैं तो आप Redmi की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे मोटरोला का H14 Neo यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। अब गाइस यहाँ पे वेट में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। 205 ग्राम का Redmi Note 13 Pro Plus है और 180 ग्राम के आसपास मोटोरोला का स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसके अलावा इस बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पे भी काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मोटोरोला में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा जबकि अगर हम बात करें Redmi Note 13 Pro Plus की तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको OLED मिलेगी Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें मोटो की तो यहाँ पे POLED डिस्प्ले यूज की गई है। अब आप पूछेंगे डिस्प्ले कौन सी बेटर लगी, तो यहाँ पे मोटोरोला की डिस्प्ले थोड़ी सी बेटर मुझे लगी क्योंकि यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिल ही जाता है, बाकी यूज करने में भी एनिमेशन वगैरह काफी स्मूथ फील होते हैं एज कंपेयर टू Redmi। बाकी गाइस दोनों ही फोन में आपको देखने को मिलती है फुल HD प्लस डिस्प्ले, लेकिन ये Redmi का स्मार्टफोन सपोर्ट करता है Dolby Vision को और Netflix में भी HDR कंटेंट प्ले कर देता है, तो ये काफी अच्छी चीज है और ये प्लस पॉइंट है Redmi Note 13 Pro Plus के लिए। बाकी YouTube वीडियो के लिए अगर हम बात करें तो 4K HDR में दोनों ही फोन प्ले कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रास्ट रेशियो काफी अच्छा है, सैचुरेशन काफी अच्छा है, काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले आपको दोनों ही स्मार्टफोन की देखने को मिलती है। अब गाइस मीडिया कंजप्शन के हिसाब से बात करें तो दोनों में आपको डुअल स्टीरियो टाइप के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं और अगर आप साइड बाय साइड इसको कंपेयर करें और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है दोनों डिवाइसेस को यूज करने में तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोटोरोला का जो स्पीकर है वो थोड़ा सा कम अच्छा है एज कंपेयर टू Redmi। Redmi में आपको काफी स्मूथ और एक बढ़िया तगड़ी क्वालिटी वाला साउंड देखने को मिलता है, कोई भी आवाज यहाँ पे नहीं फट, मतलब एक सूदिंग साउंड जो होता है ना मोटोरोला में भी काफी लाउड है, एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू Redmi थोड़ा सा वीक यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। अब गाइस यहाँ पे बात करें चार्जिंग स्पीड की तो 120 वॉट चार्जिंग के साथ में आता है Redmi Note 13 Pro Plus और चार्जर भी आपको इनबॉक्स प्रोवाइड किया गया है और इसको मैंने 0 to 100% चार्ज किया तो लगभग 27 से 28 मिनट में ये फोन फुल चार्ज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मोटो के H14 Neo की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 67 वॉट की चार्जिंग और अगर हम बात करें इसके चार्जिंग स्पीड की कितनी जल्दी ये चार्ज होता है तो लगभग से 1 घंटे 16 मिनट 1 घंटे 17 मिनट के आसपास लग जाते हैं इस फोन को 0 to 100% फुल चार्ज होने में। अब गाइस बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफी सिमिलर हैं और यहाँ पे एज सच कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं लगा। हाँ, अगर आप थोड़ी देर तक गेमिंग करते हैं दोनों ही फोन्स हीट हो जाते हैं, भाई ये चीज़ मैंने टेस्ट करी है BGMI के अंदर, इवन मैंने और भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हल्का सा फ्रेम रेट अगर आप बढ़ाएंगे तो BGMI के अंदर ये लगभग से 60 FPS आपको दोनों ही डिवाइसेस से देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे फ्रेम रेट प्रोवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही डिवाइसेस हीट होते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कौन सा ज़्यादा हीट होता है तो यहाँ पे मोटोरोला का स्मार्टफोन थोड़ा ज़्यादा हीट होता है और उसके बाद इसकी बैटरी भी थोड़ी सी जल्दी ड्रेन होती है, लेकिन वही अगर हम बात करें Redmi के स्मार्टफोन की तो ये वाला फोन हीट जरूर होता है लेकिन बैटरी उतनी ज्यादा ड्रेन नहीं होती है एज कंपेयर टू मोटो। बट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लगभग से आधे घंटे खेलने के बाद दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है। बाकी गाइस यहाँ पे बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे यूज किया गया है 7200U मतलब अल्ट्रा Redmi Note 13 Pro Plus में और 7030 आपको मिलेगा मोटो एज नियो
40 में। और जब हमने दोनों डिवाइस का अनटूटु स्कोर चेक किया तो रेडमी का स्मार्टफोन थोड़ा सा आगे निकल जाता है, बट परफॉर्मेंस में एज सच कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, सिमिलर सी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेडमी में जो स्टोरेज यूज की गई है वो है UFS 3.1, वही मोटो H40 नियो में UFS 2.1 मिलेगी। तो यहाँ पे स्पीड का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ऐप ओपनिंग में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। और डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई चीज कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं तो ये चीज भी आपको डिफरेंस पता देगी, लेकिन जब आप कोई चीज कॉपी पेस्ट करेंगे स्पेशली पीसी से तब आपको ये डिफरेंस 100% पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर आप सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो रेडमी का स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। अब गाइस यहां पे रेडमी में एक चीज और आपको बेटर मिलेगी कि यहां पे इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट मोटोरोला के स्मार्टफोन में एज सच कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे गूगल डायलर मिलता है, तो अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सामने वाले को भाई पता चल जाएगा कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है तो कोई भी ऐड वगैरह नहीं है मोटोरोला के स्मार्टफोन में, तो ये एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी स्मूथ यूआई है। लेकिन वही अगर हम बात करें शाओमी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस की, तो यहाँ पे आपको मी यूआई देखने को मिलती है जो कि अगेन काफ़ी स्मूथ है, बट यहाँ पे एड्स आपको भर भर के मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब गाइस यहाँ पे बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमराज की, काफ़ी बड़ा नंबर मिलता है आपको रेडमी के स्मार्टफोन में। यहाँ पे आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे मोटोरोला की तो यहाँ पे आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल का ही सेंसर देखने को मिलता है, मतलब 50 मेगापिक्सल। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है कि भाई मोटोरोला में इतना कम नंबर का सेंसर होने के बावजूद 4K 60fps का सपोर्ट है, बट रेडमी में 4K 30fps ही मिलता है, 4K 60fps ये फोन सपोर्ट नहीं करता। बाकी अपडेट वगैरह आएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 60fps का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और कैमराज की, तो भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है रेडमी के स्मार्टफोन में, जबकि मोटोरोला में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है जो सेकेंडरी कैमरा है। तो बेसिकली आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में, और यहाँ पे डुअल रियर कैमरा मिलता है मोटोरोला H40 नियो में। अब गाइस बात करें दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में, और मोटोरोला में आपको मिल जाएगी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। आइए चेक करते हैं इसकी क्वालिटी। अब गाइस बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो मोटोरोला का स्मार्टफोन आपको लगभग से 21-22 हज़ार में मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। बाकी अगर हम बात करें रेडमी के स्मार्टफोन की, तो रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस लॉन्च हुआ है चाइना में, जो कि चाइनीज युआन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां की प्राइसिंग लगभग से 24 से 25 हज़ार रुपए है अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो। बाकी इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पे आता है ये देखने वाली बात होगी, जहां तक मुझे लगता है कि ये 27-28 हज़ार का इंडिया में आ सकता है, या फिर रेडमी के स्मार्टफोन थोड़े महंगे भी लॉन्च हो रहे हैं आजकल तो 30 हज़ार तक भी इसकी प्राइसिंग पहुंच सकती है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। बाकी ये स्मार्टफोन का स्टार्टिंग वेरिएंट अगर आपको 12 GB से ना शुरू होकर 8 GB से स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर, तो इसकी प्राइसिंग काफी कंट्रोल में रह सकती है। अब गाइस यहां पे ओवरऑल अगर हम बात करें कि दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, तो अगर आपको भाई तुरंत स्मार्टफोन परचेज करना है बहुत जरूरी है, तो आप ले सकते हो मोटोरोला का H40 नियो, काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, IP68 मिल जाता है, और भाई सेम चीज़ आपको रेडमी में भी देखने को मिल जाएगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बताना कि आप वेट कर रहे हो या नहीं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के लिए, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी प्राइसिंग को लेकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना, और ऐसे कॉन्टेंट अगर आप और देखना चाहते हो यार सब्सक्राइब बटन दबा लो, ताकि आपकी ऐसी वीडियोज़ मिस नहीं होंगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।